हेलो एंड वेलकम टू माय न्यूट्रिशियस रेसिपीज। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक बॉल और 3/4 बॉल जितनी लौकी ली है ग्रेट करके। जब भी हमें कोई रेसिपी बनानी है तो हमें फ्रेश लौकी ग्रेट करनी चाहिए। उसमें हम 1 टीस्पून पूरा भर के नमक डाल देंगे और 4-5 टीस्पून हम ऑयल डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स करके रख देते हैं। थोड़ा पानी निकलना होगा, वो निकल जाएगा। अब मैंने एक बड़ी सी हरी मिर्च बारीक कट करके ली है, हींग और हल्दी डाल दिए 1/4 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून डालेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, अजवाइन डालेंगे 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे सौंफ 1/2 टीस्पून। मैंने सौंफ लिए, आप क्रश करके भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने रोस्टेड मूंगफली को क्रश करके डाला है। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे दही। 2 टेबलस्पून दही मैंने पहले डाला है इसमें। आप चाहें तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, थोड़ा खट्टा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप खट्टा मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं आटा। 1 बोल मैंने गेहूं का आटा लिया है, 1/2 बोल चावल का आटा लिया है और 1/2 बोल मैंने यहाँ पर सूजी ली है। अगर आप सूजी नहीं लेना चाहते तो गेहूं का दरदरा पिसा हुआ आटा भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, अगर हमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी तो दही डाल देंगे। तो ये देखिए, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इस तरह से जब हम दबाएंगे तो इसका एक शेप बन जाएगा और इतना ज़्यादा गीला भी नहीं है कि इसमें हमें और आटा डालना पड़े। अब हम ऑयल ले लेंगे थोड़ा सा, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 5-7 मिनट के लिए हम रखेंगे, तब तक हम इसमें पैन में पानी बॉइल कर देते हैं। तो ये देखिए, जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा हम ऑयल वाले हाथ लेंगे और इसको शेप देके सीधा हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, थोड़ा अभी मैंने दूर दूर रखा है। जैसे ही हम गर्म पानी में डालते हैं ये फैलेगा नहीं, पानी एकदम अच्छा बॉईल होना चाहिए। अगर पानी ठंडा होता है तो उसमें फैल जाएंगे। अब हम इसको रख देते हैं इस तरह से, थोड़ा सा मैंने ऐसे रखा है ताकि पानी बाहर नहीं आए। और मैंने 5 बोल पानी इसमें लिया है, जिस बोल से आटा लिया है उसी से मैंने पानी लिया है। अब ये देखिए, 15-16 मिनट के बाद में ये अच्छे से कुक हो गए। मैंने इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर रखा था, पानी भी एकदम बराबर डाला है, जितना चाहिए था उतना ही मैंने इसमें डाला है। ज़्यादा डालते हैं हम तो कभी कभी बाहर भी आ जाता है, लेकिन इस तरह से डालिए। अब जितना आटा और लौकी लिए उससे 1 बोल मैंने ज़्यादा डाला है, वो बच गया है। अब हम इसको आराम से निकाल देंगे प्लेट में। तो ये देखिए, नीचे चिपके भी नहीं है। ये पानी भी हमें फेंकना नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। ठंडा होने पर कट लगा देंगे इस तरह से। अब देख सकते हैं, इसमें मैंने लौकी भी बहुत अच्छे से डाली है तो सॉफ्ट हो गए। सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब हम पैन ले लेते हैं, इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून राई। राई जब पक जाएगी तब हम इसमें जीरा डाल देंगे, हींग डालेंगे इसमें। अब मैंने यहाँ पर तेज पत्ता और सूखी हुई लाल मिर्च डाली है, फिर मैंने हरी मिर्च और करी पत्ता डाला है। आप दोनों में से एक भी डाल सकते हैं। सफ़ेद तेल डाले हैं 1 टीस्पून। अब ये देखिए, अगर आपको सूखे मूठे पसंद हैं तो आप इसमें डाल दीजिए डायरेक्ट, और अगर आपको मेरी तरह से बनाने हैं तो आप ये कीजिए, 2-3 टमाटर को पीस के एक पेस्ट बना दीजिए और इसमें डाल दीजिए। ये वाले भी बहुत टेस्टी बने थे, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इन्हें भी। थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे इसमें। ऑलरेडी हमने मसाले डाल रखे हैं तो थोड़े ही डालने हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अब इसको थोड़ा सा पहले पका देते हैं क्योंकि टमाटर हमने पहले नहीं पकाया है। थोड़ा थोड़ा ऑयल रिलीज होने लगा है। अब हम इसमें ये डाल देंगे जो पानी हमने बॉईल किया था मूठिया, वही पानी है। ये 1 बोल पानी बचा है इसमें।
इसमें बॉईल आने देते हैं। इसमें आधा से थोड़ा सा कम टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर हम इसमें मूठिया डाल देंगे। तो ये देखिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं और आप वैसे भी बना सकते हैं। अब ये देखिए, इसको मैं हिला नहीं रही हूँ, सीधा मैंने इसको ढक के रख दिया है। 2 मिनट के बाद में आप देखिए, सब अच्छे से मिक्स हो गया है। ये इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया था, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ऊपर से डेसिकेटेड कोकोनट से मैंने गार्निश किया है। आपको मूठिया पसंद है तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा।